की पावना ही तथापि तार हृदय भीतरे इतने हिंसात्मक भावना अच्छी जे वर्तमान भी पांडव मानकर मृत्यु को चाहे आम आंचलिक भाषा ने मुझे पचारे उठी ना पार्बार तरमरावस्था पड़ी रही है से सिंहासन बसी पारे तथापि मानव हृदय को हिंसा प्रवृत्ति केत कलुषित कर दिए जे पांडव मान को मारे वर्तमान भी से अश्वस्थामा को आदेश देटा हिंसा छाड़ा अन्न किसी की प्रतिहिंसा भावना और जो प्रतिहिंसा भावना रखी था से जीवन में केत भी परमात्मा कृपा प्राप्त कर पाए आदेश देगा श्रीमद भागवत कहते कितनो ब्रह्म लोक जाए गोविंद सुख हरि की न पाए गोविंद 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 पद पद सेव गोविंद कितनो ब्रह्म लोक जाए गोविंद सुख हरि से भावी पारिलानी जे मु हिंसात्मक पदक्षेप देले विष्णुवासी मत कौन कहे एक भावी पारानी दुर्योधन आदेश शुणा मात्र सेनापति दायित्व पाई सांगे सांगे पांडव शिविर अर्धरात्र हाजर हो पांचटी मुंड काटी आनी दुर्योधन सामने देदेला कहला हे राजन तुम्हें 18 दिन महाभारत युद्ध में जो सफलता प्राप्त करी नहीं अंतिम समय रे आज मु तुमको से सफलता प्रदान करुच्ची देख दुर्योधन देखीदे मुंड पांचटी मुंड पटा आखिर धार धारा दुखर अश्रुरे दुर्योधन कहला ये तो पांडव मानकर मुंड नुहे अरे कुलंगार मोर पुत्र लक्ष्मण कुमार विच्छेद मोर हृदय जहां दग्ध होता किंतु आज तू पांडव मानकर पांच पुओ को मृत्यु दंड दे आमर वंश को शून्य कर दे देखने किसी लाभ नहीं कहला आमरी व्याकुल हृदय कहला और शेष भावी 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 कर दुर्योधन प्राण त्याग प्रिय पवित्र पवित्र मात्र गण दुर्योधन निजे सिंहासन में बसी पारा नहीं तथापि वंश को भी रक्षा कर रखी पारा नहीं पांडव मानकर पांच पुओ को विनाश करने आदेश देला अश्वस्थामा मूर्ख मध्य जापरला दुर्योधन जिते मरीगला मन रखु गोटे कथा हाथ जोड़ी नवेदन कर जो दुर्योधन स्वयं चक्रधारी भगवान श्रीकृष्ण को कही जिते शांति दूत रूप से गजेन्द्र नंदन भगवान श्रीकृष्ण जाते कण कही हे कृष्ण सत्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव हे केशव बिना युद्ध रे पांडव मानंकु पांचटी ग्राम कण तुम मांगुछ मु बिना युद्ध रे टिके सूर्य अग्र रे धरित्री देवा पाई प्रस्तुत जेउ दुर्योधन सुंची मन रे सुजी जेती जगह रे रखा जासी हेती जमी देवा लागि प्रस्तुत ने थे से निजे सांगे देखी गला
बरम मानव समाज को सिखे करी गला जो कृष्ण को साक्षी रखी जो कृष्ण चाहिए मोर सब संपत्ति नहीं जाई पारि थांते सही भगवान श्री कृष्ण को मो हताधर करी बिना युद्ध रे किछि देबि नहीं बोली करी कटु भाषा कहितिली आज तार परिणाम स्वरूप मोर अंतिम समय रे मोर कोनसी गोटिए कुओ मध्य मते पानी देवा पाई मो पाखरे उपस्थित होइले नाही जे सूर्यचक्र मेदिनी देवा पाई प्रस्तुत नुहे से अंतिम काल रे पानी बुंदाए पाइबा पाई मध्य सुजोग पाइला नाही ई हेउची आध्यात्मिक रहस्यर महिमा अनुभव करतु एटा दुर्योधन कथा कहू नाही एटा आम जीवन कथा अटे आम जीवन में जदि ये बढ़िया पदक्य उचित पदक्षेप आम ने तार परिणाम भयंकर रूप से भोग तेणु प्रतिहिंसा भावना रखी अन्य कहा को विपद से पकेवा पाई चेष्टा करंतु नहीं परिणाम भयंकर अस्वस्थता चली गला भय रे निज को बचेवा पाई चेष्टा कर अस्वस्थता कहीं गोटे जो है पांचटी पुअर से हत्याकारी पांडव शिविर क्रंदन रोल छुटुची मां कुंती व्याकुल हृदय कांदुंट सुभद्रा देवी आखि दुख अश्रु झरुची आओ देवी द्रौपदी कथा किए वर्णना करे जार कोल गोटे शिशु नुहे पांचटी पुओ को छोड़ दि जाए देवी द्रौपदी मुंड पीति पीति भगवान को स्मरण करकुलता सहित आखिर अनवरत अश्रु धरू कांदुंट ठीक इस समय श्याम सुंदर भगवान श्रीकृष्ण पहुंचे देवी द्रौपदी कांदी कांदी कृष्ण को कहले हे भगवान मोर पुओ मैंने कर अपराध कर अर्धरात्र निर्मम भाव निर्दय भाव मृत्युदंड दे दिया गला कृष्ण ये कौन मोर दुर्भाग्य क्रंदन रता द्रौपदी भगवान श्रीकृष्ण पद्मपाद चक्रधारी भगवान श्रीकृष्ण देवी द्रौपदी को तल उठे आणले आखिर लुह पोछीदे कहले देवी तुम तो क्षत्रिय जननी अट तुमको धैर्य रखा पड़ो कहते देवी द्रौपदी कहले प्रभु मु क्षत्रिय जननी अटे सत जदि मो पु मैंने युद्ध क्षेत्र में विनाश को प्राप्त होई थांते मोर मन दुख जेहेतु सोइथिबा अवस्था रे निर्दय भाव रे मोर पु मान को हत्या करा जाई क्यों मार हृदय धैर्य अच्छी प्रभु जार फल पांच पांचटी पु को छोड़े दिया आपण कहतु तो टिके क्यों मार हृदय रे टिके भी समय अर्जुन पहुंची आसिले अर्जुन कहले देवी शांति रह जी तुम पुत्र हंता ताकू मृत्युदंड देकरी मु आणिकी तुम पाद कल देवी तुम्हें टे धैर्य रख बोले अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण सहित रथ से जिते अर्जुन चलीगले ये अस्वस्थमा तो निजक बंच लुकबार व्यवस्था करणसी थे तो आत्मगोपन करुकवाई चेष्टा कर कहीं जी हत्याकारी से शांति केत रही पारे ना कले मु धरा पड़ी बोली ये लुकवा को जाऊ भगवान श्रीकृष्ण सहित अर्जुन देखने अस्वस्थमा भी देखने कृष्ण अर्जुन मृत्यु भय कल कला निजर जीवन को रक्षा करने आकाश मार्ग को अस्त्र पठे अस्त्र आकाश को गला अर्जुन देखिले अस्वस्थ मार अस्त्र प्रयोग आ भगवान श्रीकृष्ण को कहले हे कृष्ण कौन करी आदेश दिये भगवान श्रीकृष्ण कहले अर्जुन ये घमंडी पुत्र बोली
आचार्य द्रोण उभय विद्या याक प्रदान करना किंतु तू तंकर प्रिय शिष्य थिलो सेतिपई तोते उभय विद्या प्रदान करि परिछन्ति क्यों विद्या द्वारा प्रयोग करा जाए और क्यों विद्या द्वारा अस्त्र को जानी बना जाए सहरण करा जाए उभय विद्या अर्जुन जानते अस्त्रस्तामा जानला कहके अवमंडी थिला अभिमानी थिला तेरे द्रोणाचार्य निजर प्रिय पुत्र आइले मते ताकु देई अस्त्रस्तामा प्रयोग कर देछि महर्षि व्यास कहले मूर्ख अस्त्रस्तामा प्रयोग विद्या तो जानीचु कि भाव स्वर को सहरण करा जाए टाणी अणा जाए फेरे अणा जाए से विद्या तेज जना ना पुणी प्रयोग कहीं कर समग्र पृथ्वी प्रलय अग्निशिखा द्वारा महर्षि व्यास निर्देश क्रमे भगवान श्रीकृष्ण निर्देश क्रमे अर्जुन बण कले गुरु ठार प्राप्त कर विद्या द्वारा निजे स्वर प्रयोग कले स्वर को अस्वस्थामा निशस्त्र लेकिन भगवान भक्त शिरोमणि प्रिय सखा अर्जुन पांडिवार आरंभ कहा अस्वस्थामा बांधु थे हाथ गोड़ भगवान श्रीकृष्ण कही पारि थांते अर्जुन तू तो प्रतिज्ञा कर द्रौपदी सामने हे देवी तुम पुत्र हत्याकारी जी अटे मारि आनी तुम पाद तरण देवी बोली तू प्रतिज्ञा करू किंतु वर्तमान हाथ गोड़ को बांधिक रथरे रखार कौन इच्छा प्रकाश करा किंतु कहले ना भगवान आईटा अस्वस्थामा एवं भगवान श्रीकृष्ण बा अर्जुन प्रसंग बोली भावंतु नहीं कि आम जीवन प्रसंग आमे जहा कर भगवान किसी कहते नहीं कौन कर देखु था वेद तार प्रमाण कर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।